आइए फिर देखते हैं हम लोग मलेरिया के बारे में। एक रोग है आपका मलेरिया, ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अब देखते हैं कि मलेरिया के बारे में कि मलेरिया होती कैसे है आपको, ठीक है, और इसके कारण क्या है। ये मलेरिया एक आम रोग है और जनरली आपके क्षेत्र में क्या हर जगह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वास्तव में मलेरिया जो होता है किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम यह एक परजीवी के रूप में रहता है, और परजीवी है प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, इसी के कारण आपके बॉडी के अंदर यह रोग होता है, ठीक है। और मलेरिया में समान चीजें यह होती है कि आपको बुखार आती है, फीवर लगता है, फीवर होने लगता है तो यह प्रॉब्लम होती है। अब बात यह आती है कि फीवर होता कैसे है और क्यों होता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम में होने का रीजन क्या है, तो पहले कारण जानेंगे। दरअसल क्या होती है कि जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर है, मादा एनोफिलीज मच्छर, अब ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है ये क्या करती है कि आपको काट ली। अब काटने के बाद अपने सूंड की वजह से, सूंड के माध्यम से, अपने लार के माध्यम से ये क्या करती है कि अंदर से ब्लड लेगी। आपका ये शरीर है, मान लीजिए कि ये आपका हाथ है और ये सूंड आपका किसका है, इस मच्छर का सूंड है, ध्यान से समझिएगा, ये मच्छर का सूंड है। जब अंदर प्रवेश करेगा ये, तो अंदर प्रवेश करने के बाद क्या करेगा ये, अंदर आपके रक्त लेने के लिए अपना सूंड अंदर डालेगा। जब सूंड अंदर डालता है तो इसके साथ जो है प्लाज्मोडियम है ये आपके ब्लड में प्रवेश कर जाता है। ब्लड है आपका, अब इस ब्लड के अंदर ये प्रवेश कर गया, अब करने के लिए तो कर गया, ये अपना खून चूसा और ये बाहर निकल के चला गया, कोई दिक्कत नहीं इसको। लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो आपके ब्लड में चला गया ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके शरीर में। ये क्या करेगा, आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और इस प्रॉब्लम के कारण आपको क्या होने वाली है समस्या, वो देखिए कि प्लाज्मोडियम क्या करेगा, प्लाज्मोडियम तुरंत आपके आरबीसी को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? आरबीसी को तोड़ेगा। अब आरबीसी को तोड़ेगा तो आरबीसी के अंदर क्या आपका हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर क्या आपका हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून का रंग कैसा होता है, हमारा लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रंग लाल होता है। अब क्या करेगा, तोड़ के जो हीमोग्लोबिन था इसको कन्वर्ट कर देगा, इसका रूप चेंज कर देगा और क्या बना देगा, हीमोजोइन। क्या बनाएगा? हीमोजोइन। अब हीमोजोइन वाला जो विषाक्त पदार्थ है, विषाक्त बन जाएगा, विष बन जाएगा, और ये विषाक्त जब बनेगा तो ये विषाक्त आरबीसी में है, मतलब कि यह विषाक्त क्या हो जाएगा, पूरे ब्लड में घूमना शुरू हो जाएगा, पूरे ब्लड में रन करना शुरू हो जाएगा, और ये जहां जहां जाएगा हीमोजोइन, ये प्लाज्मोडियम आगे वाले हीमोग्लोबिन को तोड़ता जाएगा और आपका क्या बनाएगा, हीमोजोइन विषाक्त बनाएगा। ये इतना ज्यादा विषाक्त होता है कि आपके बॉडी में प्रवेश करते ही आपके बॉडी में कंपन शुरू कर देता है, सिहरन शुरू होने लगता है आपको, ठीक है, यानी ठंड सा महसूस होने लगता है आपको, सिहरन होने लगता है, जैसे टूटेगा तो हीमोग्लोबिन की वजह से बॉडी के अंदर जो हीट थी, जो बॉडी आपका नॉर्मल टेम्परेचर आपका मेंटेन कर रहा था, वो टेम्परेचर मेंटेन करना बंद कर देगा और क्या करेगा, ये आपके बॉडी में सिहरन उत्पन्न करेगा, कंपन होने लगेगा। अब सिहरन और कंपन की वजह से आप क्या करेंगे, कंबल चादर जो कुछ भी मिलेगा ओढ़ेंगे, उसके बाद आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ने के बाद आपको पसीना होगी और उस कंडीशन में क्या होगा, लगेगा कि फीवर बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर आपका 48 घंटे बाद फिर से रिपीट हो जाएगा फीवर। तो ये कंडीशन क्या होगा, सिर्फ हीमोजोइन की वजह से होता है, और क्या होगा कि आपके शरीर में फीवर शुरू हो जाएगी, आपको बार बार सर दर्द शुरू हो जाएगा, सर चक्कर आना शुरू हो जाएगा, कमजोरी महसूस होगा, बॉडी के अंदर आलस महसूस होने लगेंगे, बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। तो क्या है आपका मेन रीजन है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एनफ्लिज मच्छर के माध्यम से हमारे ब्लड में गया और इसी ब्लड के कारण ब्लड में जाकर आरबीसी के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हीमोग्लोबिन को हीमोजोइन में तोड़ेगा, हीमोजोइन क्या करेगा, विषाक्त बनाएगा, और इसी विषाक्त के कारण पूरे ब्लड में फैलेगा यह विषाक्त और आपके बॉडी के अंदर कंपन की समस्या शुरू होगी, अर्थात क्या, बॉडी का सिहरन शुरू होगा, और सिहरन जैसे जैसे शुरू होगा आप महसूस करेंगे कि आपका बॉडी क्या है, फीवर जैसा होना शुरू हो गया। तो यह प्रॉब्लम क्या कहलाती है, यह प्रॉब्लम कहलाती है हमारी मलेरिया।
तो हमने तो समझ लिया कि इस तरह से होगा, लेकिन बात आती है कि अगर मलेरिया हो जाए तो आपको लक्षण क्या क्या दिखेंगे, प्रॉब्लम क्या क्या दिखेगा आपको। तो लक्षण देखिए, लक्षण दिखेगा पहला नंबर कंपन हो रहा है, हीमोजोन विषाक्त बना है तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर कंपन होगा, कंपन होगा मतलब शरीर कांपने लगेगा, शरीर में सीरन होगी, कांपने लगेगा, शरीर की जो ताप है अनियंत्रित हो जाएगी, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, यानी तो तीन कंडीशन है कि एक तो कभी बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल घट जाएगा, तो मतलब कंडीशन आपका बदलते रहेगा बॉडी का, यानी कि बॉडी का तापमान क्या होगा अनियंत्रित हो जाएगा, बॉडी के अंदर और क्या हो जाएगा विषाक्तता बढ़ेगी, कौन सी विषाक्तता, हीमोजोइन की, हीमोजोइन की विषाक्तता बढ़ेगी। अब विषाक्तता बढ़ने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा, जब हीमोजोइन की विषाक्तता बढ़ गई तो आपके बॉडी के अंदर कंपन हुआ, बुखार हुआ, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गया कि आरबीसी को तोड़ दिया, तो जब आरबीसी टूट गया तो टूटने के बाद क्या हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी बॉडी में, अर्थात कि खून की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी, मुंह सूखने लगेगा, मुंह आपका होठों पे नीला नीला पड़ने लगेगा, आंखों के नीचे नीला नीला दरार पड़ने लगेगा। तो ये नीला नीला जो पड़ रहा है ना, ये खून की कमी की वजह से हो रही है, क्योंकि आरबीसी को तो इसने तोड़ दिया, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है। तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, अब क्या होगा कि आरबीसी की कमी होगी तो इसके साथ एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपका आरबीसी तो टूटता जनरली कहां पे, यकृत में, यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी आखिरी सांस यकृत में लेती है, लेकिन आरबीसी पहले ही टूट गया, और आरबीसी को बनाने वाला कौन होता है, प्ली है, स्प्लीन, जहां पे आरबीसी नया बन के तैयार होता है। तब फैक्ट्री मान लीजिए कि आरबीसी की कमी हो गई, तो आरबीसी जहां पे प्रोडक्शन होता था उस फैक्ट्री में तो अकाल पड़ेगी ना जी, फैक्ट्री चाहेगा कि ज्यादा प्रोडक्शन करे ताकि बॉडी को जितना आरबीसी चाहिए बिल्कुल मिल जाए, लेकिन आरबीसी की उस पूर्ति करने के लिए पलिहा क्या करता है, अपनी साइज बढ़ा लेता है, अपनी क्या कर लेता है कि थोड़ी सी फैक्ट्री के अंदर थोड़ी सी साइज बढ़ाता है कि ज्यादा आरबीसी हम निकालेंगे, तो यह भी एक प्रॉब्लम बन जाता है कि आपकी पलिहा जो है वह बढ़ जाती है, पलिहा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्लियर है, पलिहा बढ़ जाती है, क्लियर है। तो ये दिख गया आपको लक्षण। एक और लक्षण है कि आपको लगभग 48 घंटे के बाद फिर से फीवर आ जाएगी, 48 घंटे तक फीवर सही हो जाएगा, लगेगा कि बुखार उतर गया, आपने दवा खा लिया कोई भी पैरासीटामोल, तो बॉडी के अंदर जाके सिर्फ ताप को नियंत्रित करेगा, पसीना हो जाएगा, आपको लगेगा कि फीवर सही हो गया, 48 घंटे बाद फिर से फीवर आपका आ जाएगा, क्लियर है। तो ये सभी लक्षण आपको दिखेंगे कब, जब मलेरिया होगा तब। अब मान लीजिए कि आपको रोग हो गया, आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखे और प्रॉब्लम हो गया, तब बताइए कि इसको नियंत्रित कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे, तो देखते हैं कि नियंत्रण कैसे किया जा सकता है इसका, नियंत्रण मतलब कि हम रोक कैसे सकते हैं कि अगर हो गया हमें तो इसे नियंत्रित कैसे करेंगे। तो पहला नंबर बात कि इसके लिए अभी कोई टीका नहीं बना है, सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है कि इसके लिए कोई टीका अवेलेबल हमारे पास नहीं है, कोई टीका नहीं है। अब मान लीजिए कि टीका हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसके जगह पर, जब टीका हमारे पास अवेलेबल नहीं तो दवा लेंगे, तो दवा इसके लिए काम क्या होता है कि कुनेन, कुनेन दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, कुनेन इसके दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए मलेरिया के लिए। ये आपका सिनकोना वृक्ष से निकलता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है वृक्ष का नाम भी, तो याद रखिएगा सिनकोना वृक्ष से कुनेन निकलता है, सिनकोना से, ऑप्शन एग्जाम में जो देखे मार दीजिएगा, सिनकोना पेड़ का नाम है और कुनेन इससे निकलती है जिनसे दवा बनता है, क्लियर है। तो यही दवा क्या होती है, इसको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि आपका अभी अगर देखिएगा तो हाल फिलहाल में आपका जो लखनऊ का ड्रग इंस्टीट्यूट है इस पर रिसर्च किया है कुछ दवाई के लिए, तो अभी तक मान लीजिए कि कुनेन दवा का ही इस्तेमाल किया जाता है मेनली, ये जान लीजिए, क्लियर है। तो ये नियंत्रित कर लेंगे हम, लेकिन बात आती है कि नियंत्रित जब हो जाएगा तो कर लेंगे हम, लेकिन हम ऐसा क्यों ना करें
कि ये प्रॉब्लम हो ही नहीं हमें। हम कोई ऐसा तरीका अपना सकते हैं क्या कि इन रोगों का रोकथाम कर सकते हैं? तो इन रोगों को रोकथाम करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। तो कैसे रोक सकते हैं इसको, वो जरा देख लीजिए। रोकथाम मतलब क्या कि हमें यह रोग हो नहीं, ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो इनके लिए मेन चीज है कि एनफ्लीज मच्छर हमें कर रहा है, तो पहला नंबर अगर मच्छर का हिसाब किताब कर दिया जाए, मच्छर का हिसाब किताब कर दिया जाए मतलब मच्छर को ही खत्म कर दिया जाए, ना मच्छर रहेगा ना प्रॉब्लम होगा। और मच्छर कब हटेगा, जब हम प्रॉपर तरीके से अपने आसपास की साफ सफाई रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना घर द्वार साफ करते हैं और बगल वाले के में जाके इकट्ठा कर कर देते हैं कि मेरा घर बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन है, बगल वाले के दरवाजे पे लगा हुआ है, हमको उससे क्या करना है। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि वहां पे जो मच्छर पलेगा वो ना देखेगा कि उसके दरवाजे पर लगा था कि आपके दरवाजे पर, वो सभी को बराबर रूप से काटेगा। इसलिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं करना है। तो मच्छरों को नष्ट करना ये सबसे बड़ी जरूरी है। तो मच्छरों को नष्ट करने के लिए प्रॉपर डीडीटी या फिर बहुत सारे ऐसी दवा है जिनका समय समय पर छिड़काव किया जाता है। और छिड़काव करने से क्या होता है कि ये मच्छर जो होता है विषैले, घरों में साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं रखने से या घर में किसी भी रूप में नमी की वजह से यह मच्छर जो पलते हैं उसको मार दिया जाता है, या फिर बरसात के दिनों में जो अंडे इसके निकलते हैं नए नए उनको नष्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मच्छर रात में नहीं काटता है, मच्छर दिन में ही काटता है। ठीक है, मतलब ये वाला मच्छर, मच्छर रात में तो काटते हैं ठीक है, लेकिन ये वाला मच्छर जो काटेगा वो दिन में ही काटेगा। क्लियर है? दूसरा क्या है जी आपका, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि संक्रमण से खुद को बचा के रखेंगे, संक्रमण से बचने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या, कोशिश करेंगे कि जिनको संक्रमण हो गया है, जिसको मलेरिया हो गया है, जिसको फीवर है, उसके कॉन्टेक्ट में जितना कम हो सके उनके साथ बैठकर जितना कम खाना पीना खाएंगे, जितना हम लोग शेयर करके एक साथ खाते हैं, तो जब मलेरिया की प्रॉब्लम हो तो थोड़ी सी प्यार मोहब्बत में कमी कर देनी है कि साथ में खाने वाला जो तरीका है उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे, तो क्या होगा कि संक्रमण बचेगा। आज संक्रमण नहीं होगा तो कम से कम परिवार में आप बचे रहेंगे, तो जिनको हुआ है उनके लिए प्रॉपर सेवा आप दे सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, संक्रमित व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है और कोशिश करनी है कि किसी भी रूप में वो प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर ना हो। क्लियर है फ्रेंड्स? आशा फ्रेंड्स कि मलेरिया के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।